मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुमरू भी जा सकता था, मैं अगरतला में भी जा सकता था, लेकिन पहले मैं किला गया, उसके बाद मुंगेर रामी आया, क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं सबको दिखाना भी चाहता हूँ कि मेरे लिए मुंगेर रामी बहुत इम्पोर्टेंट है। और महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन पे अगरतला से पहले मैं मुंगेर रामी आया, क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि जो त्रिपुरा का दिल है ना, वो शहर में नहीं है, वो गाँव में है, वो आपके संग है, इसके लिए मैं यहाँ आया। आप लोग ने आज महाराजा वीर विक्रम का सम्मान किया है। सब लोग जानता था कि दुबागरा वीर विक्रम जो मेरा दादू है, उसने हमेशा त्रिपुरा साहब के लिए काम किया, और ये जो महाराजा का एक सपना था आधुनिक त्रिपुरा का, आज हम आपको बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। यहाँ में मीडिया भी है, अभी मीडिया हमेशा मुबागरा से एक सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है मुबागरा से? एलायंस कॉर्बे की कॉर्बे ना, हाँ आप मत सवाल पूछो, हम यही में आपको सबका सामने बोल देता है, अलायंस नहीं होगा इस बार, हम लोग चैलेंज करेगा। ये अलायंस करते 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 हमने अपना हाथ खो दिया इस बार। अगर राइटिंग में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को नेशनल पार्टी ने नहीं दिया, तो हम आपको बोल रहे हैं चैलेंज करने के लिए रेडी हो जाओ, कि मुबागरा के मन में है कि 70 साल के बाद इस बार तो मुबागरा चैलेंज करेगा। आप लोग मुबागरा का साथ हैं कि नहीं? जरा कोई आज टाइम कम है, लेकिन मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। जो लोग ग्रुपिज्म करता है बोलता महाराजा हमारा टिकट ना पाइले अभी बीजेपी में चले जाओ, हमारा टिकट ना दिले अभी कांग्रेस में चले जाओ, जाओ हमको सिर्फ हमारा माथा में बंदूक रख के राजनीति मत करो। हम राजनीति में आया है त्रिपुरा साहब को कुछ देने के लिए, एमएलए और एमपी को देने के लिए नहीं आया। और जो लोग दोफा को सामने रखकर बोलता है मुबागरा आई प्रथम और जाके रात में बीजेपी और कांग्रेस से बात करता है, सीपीएम से बात करता है, हम उनको डायरेक्टली बोल रहे हैं ये दरवाजा खुला है जाओ, लेकिन त्रिपुरा मथा को एक चांस देगा, मुबागरा को एक चांस देगा 2000। हम जानता है कि आप हमको प्यार करता है, और हम जानता है कि आप हमको एक चांस देगा। और यहां में जो नेता लोग हैं, आप लोग अलग अलग पार्टी से आया, कोई आईएनपीटी से आया, कोई आईपीएफटी से आया, कोई कांग्रेस से आया, कोई सीपीएम से आया, बीजेपी से आया, हम आपको एक बात बोल रहे हैं, त्रिपुरा का पब्लिक जो त्रिपुरा सा है सबको चांस देता है, सीपीएम को चांस दिया कुछ नहीं हुआ, आज देखो ये हॉल को देखो कुछ नहीं हुआ, रास्ता में कुछ नहीं हुआ, आईपीएफटी को चांस दिया क्योंकि आईपीएफटी ने त्रिपुरा लैंड बोला इसके लिए, वो हताई कतौर में आईपीएफटी ने त्रिपुरा लैंड बोला, त्रिपुरा सा बुकू बारा ने चांस दिया आईपीएफटी को। और हम आप लीडर को बोल रहे हैं आज आईपीएफटी खत्म क्यों हुआ, क्योंकि जब लोग ने बोला था त्रिपुरा लैंड पावर में आने के बाद कॉम्प्रोमाइज किया, इसके लिए आज आईपीएफटी खत्म। आप लोग यहां में लीडर है, आप लोग भूलो मत कि आपको ये चांस मिल रहा है क्योंकि आपने बोला है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। जो गलती आईपीएफटी ने किया, अगर त्रिपुरा मथा ने वही चीज किया तो त्रिपुरा सा भी त्रिपुरा मथा को रिजेक्ट करेगा, इसके लिए नो कॉम्प्रोमाइज ऑन अ डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा। विलेज काउंसिल इलेक्शन अगला 2 महीने के अंदर है, आप लोग चैलेंज करने के लिए रेडी है? बहुत लोग हमको बोलता है कि हम लोग बीजेपी में जाएगा, बहुत होता है कांग्रेस में जाएगा, सीपीएम में जाएगा, ये ग्रुपिज्म हो रहा है। क्यों हो रहा है ये ग्रुपिज्म?
साल से नीचे रखा गया, सिर्फ 4-5 महीना है, खांसा होगी, अगर खांसा होगा तो पीपरा सा को कुछ मिलेगा, अगर खांसा नहीं होगा तो एक दो लोग एमएलए बन जाएगा, एक दो लोगों का घर अगरतला में बड़ा बड़ा बन जाएगा, लेकिन 13 लाख पीपरा सा को कुछ नहीं मिलेगा। आज बुबाका एमएलए के लिए नहीं फाइट कर रहा है, आज खुद खानी बुबाका एमएलए के लिए फाइट नहीं कर रहा है। और जो नेता लोग बोलता है हमारा टिकट ना दिया, मैं बीजेपी से चले जाओ, कांग्रेस से चले जाओ, जाओ आज बुबाकरा के साथ पीपरा सा है, आपके साथ कोई नहीं है। ये कमिटमेंट हा के लिए होना चाहिए। 70 साल से हम लोगों का लीडर डबल ने हम लोगों को धोखा दिया। बहुत लोग यहां में आके बोलता था, दिल्ली जाके बोलता था, इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी, हमने तो नहीं बोला, ये लोग ने बोला। आज वही लोग बीजेपी में बैठकर गाना गाता है, क्या गाना है, दिल दिया है जान भी देंगे। अरे दिल आपने तिप्रासा को दिया, जान तिप्रासा ने आपको दिया, राम भी दिया तिप्रासा ने, लेकिन आज आप वहां में गाना गा रहे हैं, ये क्या है, ठगाई है, पूरा ठगाई है ये हम लोगों का तिप्रासा का है। ये इस ऐसा रकम का लीडर को आप लोग पहचानो और बुबाकरा को स्ट्रॉन्ग करो। आज बुबाकरा बीमार है, आज बुबाकरा हॉस्पिटल से निकल के आपका पास आता है, बीमार है तभी भी अपना दोफा के लिए फाइट कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, पोस्ट नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, रंग नहीं चाहिए, 13 लाख चिंता सबको देना। और आप लोग सब भाषण में सब लोग नंबर वन है, काम में नंबर वन हो, ग्रुपिज्म को छोड़ो, अगर हम लोग एक रहेगा तो सब पिपरासा को कुछ मिलेगा, अगर अलग अलग करके फाइट किया तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ में कौन कौन तो मिल गई, यहाँ में कौन कौन है, चौहान के है, जापारमा है, रियान है, सब है, सब है, कारो भी है, रुपिनी भी है, मुंडा भी है। आप लोग सब अगर कला जाओ, कोई बोलेगा आप जमतिया है, कोई बोलेगा आप देवर्मा है, कोई बोलेगा आप रामकौल या रुपिनी या काइपे है, नहीं, सब बोलेगा भूकुम भरा है, नागचेटा वो नरबुम, नरबुम होता ना अपना रामकौल में और मौसम में नरबुम। तो हम लोग का प्रॉब्लम एक है, हम लोगों का परिस्थिति एक है, हम लोग का भविष्य, अगर हम लोग एक नहीं हुआ आज तो हम लोग का भविष्य भी एक ही होगा। तो आज अपना कम्युनिटी के लिए, अपना जमीन के लिए, अपना हाथ के लिए, अपना भविष्य के लिए, अपना बच्चा के लिए, आप लोग सिर्फ 5 महीना एक नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत आदर करता है, वो बोलता था आपने रक्त दो हमें अपना स्वाधीनता देवो, आप खून दो हम आपको स्वाधीनता देगा, हम तो आपका थूई नहीं मांग रहा, हम तो आपका खून नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपका थानसा मांगता है, आप लोग थानसा मंत्री। और जो नेता लोग पैसा बांटने आएगा, बहुत है उनका पैसा, आएगा रंग बांटेगा, पिपरा मोखा का पिपरा सा को रंग देगा, रुपया देगा, लो उनका रुपया आप लोग रखो, वो उनका बाप का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है, आपका पैसा। ये हॉल को देखो, यहां में कंट्रागिरी से रुपया खाकर आपका पैसा पॉकेट में रखा है, आप उनका पैसा रखो, लेकिन जब टाइम आएगा वोटिंग के लिए आप जानता है कि आप उसी को वोट करो जो आपका भविष्य के लिए, आपका हाँ के लिए, आपका जिंदगी के लिए फाइट कर रहा है, जो पैसा के लिए, जो पद के लिए, जो नेतागिरी बनने के लिए फाइट कर रहा है। ऐसा लोगों को छोड़ो, ये लोग ने 70 साल में कुछ नहीं दिया, 70 साल में तिप्रा सा को बेचकर तिप्रा सा को भिखारी रखा है। आज हम लोग का टाइम आया है कि हम लोग
अपना अधिकार शांति से, किसी के खिलाफ नहीं, कोई जाति के खिलाफ नहीं, कोई धर्म के खिलाफ नहीं, हम लोग अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मांग के एक होकर हम लोग बात करेगा। और मीडिया को मैं बोलना चाहता हूं, मीडिया बोलेगा अरे भूभागरा तो कम्युनल क्षेत्र, हमने क्या एक शब्द बताओ जिसमें हमने एक किसी के खिलाफ बात किया। और जो लोग कम्युनल होके बात करता था, आज वो लोग बीजेपी में बैठकर भारत माता की जय बोलता है। और जिसका परिवार आज महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन है, हम लोग ने हिंदुस्तान में अपना पूरा देश को दिया, आज तक हमने सबको सम्मान किया, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को आदर किया, हमने जगदीश चंद्र बोस को आदर किया, हमने सबको आदर किया, आज तक एक शब्द नहीं बोला। लेकिन प्रोपेगेंडा है, आईटी सेल है, ये कम्युनल अपना जमीन के बारे में बात करने से, अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट के बारे में बात करने से, अपना अधिकार के लिए बात करने से, अपना दिन पैसा के बारे में बात करने से अगर हम लोग कम्युनल बोला जाता है तो आप मीडिया है, आप उनको सवाल पूछो जिसने मुख्यमंत्री को बांग्लादेश में बोला था, आप उनको सवाल पूछो जिसने बोला था कि सबको बांग्लादेश भेज देगा, आप उनसे सवाल पूछो जिसने पैसा डाला है, आप उनसे सवाल पूछो जिसने हम लोग पावर में आकर एक साल हो गया है, एक साल में एक दिन बंद नहीं किया। एक अगरतला में जब रैली हुआ, हजार हजार दिक्कतें आया, एक दुकान में पत्थर नहीं फेरा। हम लोग कम्युनल नहीं है, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, और अपना अधिकार नहीं मांगेगा तो कहां मांगेगा। अगर आज अपना हाँ में, अपना जमीन में हम अपना देश के लिए, अपना भविष्य के लिए, अपना अधिकार के लिए आज अगर प्रत्युत विक्रम वाणी के अधिकार नहीं मांगेगा तो कौन मांगेगा। दलाली करने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया हुआ। आप लोग रेडी है कि नहीं? आप लोग रेडी है कि नहीं? मैं मर जाऊंगा लेकिन मरने से पहले कुछ ना कुछ आपको देके जाना चाहता हूं। और आप लोग हमको एक कमिटमेंट दो, आप लोग का अंदर जो ग्रुपिज्म होता है 5-6 महीने तक छोड़ दो। हम आपको एक भविष्य देना चाहता है जहां में आपका बच्चा, जहां में आपका नेक्स्ट जनरेशन शांति से रहे, उन्नति करे, जहां में दंगा नहीं हो, जहां में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं हो। हम ऐसा आपको जगह ले जाना चाहता है। और आप लोग झंडा देख के पॉलिटिक्स करता है, आप लोग ये लाल है, ये गेरुआ है, ये सफेद है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपना अधिकार के लिए फाइट करना है। आपको नेता पब्लिक क्यों बनाता है? क्योंकि आपको पब्लिक के लिए बात करना है, नहीं दल के लिए। ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? तो आपका दायित्व बनता है इस बार आप हमको राइट डायरेक्शन में ले जाए। चाबी ये लोग होता पीपरा लैंड हो ना, चाबी कोई और लगाता है बोलता है हम लोग, चाबी कोई और लगाता है बोलता है कोई और, पुतला जैसा हम लोग बात करते रहता है। हम आपको बोलता है आईपीएफटी क्यों खत्म हुआ? जब मानवारी में गोली मारा गया, चुप बैठा एनसी देव वर्मा, उस दिन 30% आईपीएफटी खत्म हुआ। जब यहां में मंत्रीलाल कैथरीन को मारा गया, हम लोग चुप बैठा, उस दिन 20% और गिरा आईपीएफटी। जब लोकसभा इलेक्शन के टाइम सुनील देवधर ने बोला टीवी के सामने, मीडिया के सामने, एमसी देवर्मा जी कान खोल के सुन लो, अगर त्रिपुरा लैंड डिमांड करना है तो सरकार को छोड़कर ऑपोजिशन में बैठो, आपको त्रिपुरा लैंड नहीं मिलेगा, एमसी देवर्मा जी, सुनील देवधर ने मीडिया के सामने, टीवी के सामने बोला। एमसी देवर्मा चुप रहा उस दिन और 50% खत्म हो गया। और जब हम लोगों को एडीसी में धोखा दिया तब 100% खत्म हो गया। पॉलिटिक्स में आपको कमिटमेंट दिखाना पड़ता है, राजनीति में आपको कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। और मैं आपको बोल रहा हूं, हम लोग इलेक्शन में फाइट करने के लिए रेडी है। ये तेलियापुरा में ज्यादा दूर नहीं, कितना दूर है तेलियापुरा? आज तक तेलियामुरा से
अनचुनेट पार्टी ने फाइट नहीं किया है, हम आपको बोल रहे हैं टेलियापुरा हम लोग का था और 2023 में टेलियापुरा वापस हमारा होगा। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुबादरा अकेला चैलेंज करेगा तो नहीं होगा, आप लोगों को भी चैलेंज करने के लिए रेडी होना चाहिए। चैलेंज का ये मतलब नहीं है कि झगड़ा करो दंगा करो, चैलेंज का ये मतलब है थमसा रखो, एकता रखो, मुनखार रखो, तब हम लोगों को कुछ मिलेगा। यहां में मैंने ये देखा कमल आपने बात किया ये कंडीशन वीडियो के अंदर, आप लोग जाके डेफिनेशन दो, करोड़ करोड़ रुपया आता है अगरतला में स्मार्ट सिटी अगरतला में स्मार्ट सिटी, यहां में कुछ नहीं है, आप लोग जॉइंटली डेफिनेशन दो, वीडियो के सामने डेफिनेशन दो, प्रेशर लगाओ, ये पैसा यहां में नहीं जाके किसी का घर में जा रहा है, आप लोग एक हो और जॉइंट डेफिनेशन दो, अगर दरकार होगा तो हम भी आएगा, लेकिन आप लोग जॉइंट डेफिनेशन दो, सिर्फ यहां का नहीं रस्ता का भी जॉइंट डेफिनेशन दो, पानी के लिए जॉइंट डेफिनेशन दो, ये आपका राइट है और आप पीछे नहीं मुड़ेगा, अब से तीव्रता से आगे बढ़ेगा, हम लोग पीछे जब हिलेगा उस दिन हम लोग हारेगा, अब हमको आगे चलना है पीछे नहीं। तो लास्ट में आपने हमको यहां में बुलाया, आपको इतना देर से वेट कर रहा है, बुरी को मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग मां हैं, आप लोग बहन हैं,